हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे सी टेक चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आप लोगों को बताऊंगा स्कूल या इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग सेंटर का लोगो डिजाइन करके, बिल्कुल फ्रेंड्स इसी तरह का जिस तरह का आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं स्टार्ट बटन पर जाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। तो यहाँ से ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि 2010 है, लेकिन आप इसे 2007 में भी बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो इसे हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं और पेज पे पेज लेआउट चलते हैं और यहाँ से को लैंडस्केप पे कर लेते हैं। पेज मर्ज, यहाँ से आप मार्जिन को जीरो रखना, जीरो रख लीजिए, जितना मैं रख लेता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बनाएंगे आउट बॉर्डर। तो सबसे पहले यहाँ से लेते हैं इंसर्ट पे जाकर और सेप, और यहाँ से लेते हैं डॉट टूल को और शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और इससे ड्रा करेंगे। आपको जितना बड़ा लोगो बनाना है आप उतना बड़ा यहाँ से ड्रा कर लीजिए अपने हिसाब से देखकर। तो मैं इतना यहाँ पे ड्रा कर लिया। आप यहाँ पर देख रहे होंगे येलो कलर का पॉइंट बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करके और दबा कर रखिए और माउस को अपने हिसाब से जितना पॉइंट रखना चाहते हैं बॉर्डर आप उतना कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर इतना रख लिया, ठीक है। तो यहाँ बन गया। अब इस पर क्लिक करके और यहाँ से फिल शेप पर जाकर और टेक्सचर पर जाकर आपको जो अच्छा लगे, तो मुझे ये अच्छा लगे मैं इसको फिल कर लेता हूँ और आउटलाइनिंग को नो लाइन आउटलाइनिंग ख़त्म कर देता हूँ। अब फिर से चलते हैं शर्ट पे शेप और यहाँ पर आपको मिलेगा स्टार 16, 24 और 32 पॉइंट का। तो मैं यहाँ पर 32 पॉइंट को क्लिक कर लेता हूँ, फिर से शिफ्ट प्रेस कर रखता हूँ और इसे ड्रा करता हूँ। फ्रेंड्स अब यहाँ से इसे इस पे कॉर्नर पे पूरा मिलाकर सेट कर लेते हैं। हो गया। और देखिए इसमें भी एक येलो पॉइंट है, आप इस पर क्लिक करके आप इसे ऊपर की ओर बढ़ा सकते हैं। इस तरह से बन गया। अब इस पर आप जो कलर फिल करना चाहते हैं, तो मैं इसमें ग्रीन फिल कर देता हूँ। शेप पे जाता हूँ और यहाँ से ग्रीन फिल कर देता हूँ। आउटलाइनिंग को नो लाइन कर देता हूँ, बिल्कुल कोई आउटलाइनिंग मुझे नहीं चाहिए। और फिर से एक यहाँ से सर्कल लेता हूँ, इंसर्ट पे जाकर शेप पे जाकर यहाँ से एक सर्कल ले लेता हूँ इसी को और इसे शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ और ड्रा करता हूँ और इसे भी फिल कर देता हूँ मैं इसमें वाइट और इसे हम यहाँ पर मिला देते हैं। यहाँ से जूम करके आप इसे देख सकते हैं कि सही तरह से अटैच हुआ कि नहीं, तो कम बेसी रहे तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। हो गया। अब इसे जूम हम माइनस कर लेते हैं। और इसको फ्रेंड्स यदि आपको लाइन देना हो तो आप लाइन दे सकते हैं। तो यहाँ पर यदि लाइन देना तो ठीक है, ना तो मैं रहने देता हूँ, कोई लाइन नहीं देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इतना जो आउट बॉर्डर था लोगों का वो बिल्कुल बन के तैयार है। अब हम इसके अंदर का हिस्सा बनाते हैं। तो चलिए यहाँ से फिर से लेते हैं इंसर्ट और यहाँ से लेते हैं इस टूल को और क्लिक करके इसे ड्रा करते हैं इस तरह से और इसे भी बिल्कुल एडजस्ट कर लेते हैं बराबर में और यहाँ से इसे, ठीक है। इसे आपको जितना भी मोटा रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें फॉन्ट टाइप करना है। और इस पर क्लिक करके और यहाँ से आउटलाइनिंग को थोड़ा सा थिंकिंग बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ। आउटलाइनिंग का जो कलर है इसे यहाँ से और फिल कलर को नो फिल। अब इसमें हमें टाइप करना है, लिखना है राउंड में, तो इसके लिए क्या करना होगा, चलिए इंसर्ट पे और देखिए वर्ड एड पर क्लिक कीजिए तो कुछ इस तरह का आपको डिजाइनिंग शो करेगा, लेकिन हमें इस तरह का डिज़ाइन नहीं चाहिए। हमें उसके लिए हमें क्या करना होगा, फाइल पे जाना होगा, सेव एज और यहाँ से मैं 4, 5, 6 के नाम से डेस्कटॉप पे ही डॉक्यूमेंट को इस पर नीचे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ 97 2003 और यहाँ से सेव कर देता हूँ और कंटिन्यू। अब देखिए जो वर्ड एड का लोगो डिज़ाइन ये चेंज हो चुका है। अब हम पहले वाला लेते हैं वर्ड एड और इसमें हम टाइप करते हैं और इसको साइज यहाँ से 20 कर लेते हैं और उसके बाद में करते हैं ओके और यहाँ पर क्लिक करके इस फॉन्ट को जो हमने बनाया और इस पर जाते हैं फॉर्मेट और वेब टेक्स्ट का ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए और इसे उठाकर सेंटर में रख लेते हैं। यहाँ पर सेंटर में रख लिए। सेंटर में रखने के बाद में चेंज शेप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करके इस राउंड को क्लिक कर लीजिए
और इसे उठाकर ऐसे ऊपर कर लीजिए, ठीक है, और इसे नीचे, और इसे उठाकर सेंटर में, अब इसे हम इसको कलर को ब्लैक फिल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जितना बन गया चंदन कोचिंग सेंटर, और इसको आपको जितना रखना आप रख सकते हैं। आप यहाँ से भी क्लिक करके, येलो पॉइंट है, आप क्लिक करके ड्रा करके देख सकते हैं कितना साइज मोटाई पर रखना है, रख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना बन गया। अब हमें इसके नीचे भी लिखना है, तो सिंपल फिर उसी तरह आप चलते हैं इंसर्ट पर और वर्ड आर्ट, और यहाँ से वर्ड आर्ट, और नीचे जो भी लिखना है, जो भी कोड, और यहाँ से जितना भी आप देना चाहते हैं, मैं यहाँ फिर से 20 देता हूँ और ओके करता हूँ। फिर से इस पर क्लिक करके वेब टैक्स और इन फ्रंट ऑफ टैक्स, और यहाँ से क्लिक करके इसे नीचे रखता हूँ या फिर कहीं भी सेंटर पे, और उसके बाद में चेंज शेप और इसे नीचे क्यों करेंगे, और इसे फिर से यहाँ से ड्रा करके थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, सही से एडजस्ट नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर इसको एडजस्ट करने में दिक्कत होगा, एक दो बार ट्राई करिएगा इधर उधर एडजस्ट करके, तो सही से एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपस में एक चढ़ा हुआ है एक दूसरे पे, तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ से स्पेसिंग पे जाकर थोड़ा सा लूज कर देते हैं, और इसको भी हम यहाँ से इस तरह सेंटर में कर लेते हैं, और इससे भी कलर को ब्लैक फिल कर देते हैं। तो ये भी बन गया। अब हमें यहाँ पर स्टार बनाना है, उसके लिए करना इंसर्ट और चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर स्टार का ऑप्शन है, 5-point star, इसे 5-point star पे क्लिक करके इस तरह से यहाँ पर इसको भी यहाँ से ब्लैक फिल कर देते हैं। कंट्रोल प्रेस करके रखते हैं और इसे दूसरे साइड में ले जाते हैं, और इसे भी कॉपी कर दिए। तो अब इसको हम जूम को माइनस या फिर व्यू पे जाकर यहाँ पर ऑन पेज करते हैं, देखिए। तो फ्रेंड्स इतना बनकर तैयार है फ्रेंड्स, और इसे हम जूम कर लेते हैं, और जूम करने के बाद में अब इसका बीच का जो डिज़ाइन है उससे बनाते हैं। जूम करके बनाइएगा, आसानी से बनेगा और अच्छा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोगों कुछ डिज़ाइन रखे हुए, तो चलिए सबसे पहले करते हैं इंसर्ट, और इंसर्ट पर जाते हैं और यहाँ से पिक्चर इंसर्ट करते हैं, डेस्कटॉप पर जाते हैं, डेस्कटॉप ऑलरेडी, और यहाँ से सन को इंसर्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये जो सन है इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर वेब टेक्स्ट पे जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ये ऊपर आ जाएगा, इसे हम कॉर्नर पे क्लिक करके छोटा कर लेते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सन का डिज़ाइन है आप इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। मैं तो इसे कॉल ड्रा में बनाया हूँ, और कॉल ड्रा में थोड़ा बनाना आसान हो जाता है जब इसको कॉपी करना होता है। तो यदि आपको कॉल ड्रा सीखना है, जानना है, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके कॉल ड्रा के वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इतना सेट कर लेता हूँ, फिर से इंसर्ट पर जाता हूँ, और एक बुक, यहाँ से पिक्चर और बुक को ओपन करता हूँ। फ्रेंड्स मैं भी इसे इस बुक को भी मैंने कॉल ड्रा में ही बनाया है, इन फ्रंट ऑफ टैक्स, और इसे उठाकर हम यहाँ पर रखते हैं। इस बुक को भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2010 वर्जन में बनाया जा सकता है, थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन बन जाएगा। इसे यहाँ से थोड़ा सा जितना एडजस्ट होता है, जितना आप देखें कि आपको कितना अच्छा लग रहा है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लीजिए, इतना ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर इंसर्ट पे जाते हैं, शेप्स और एक कुछ रिबन जो होता है इसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको ले लेता हूँ, या फिर ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ये यहाँ से इसे ले लेते हैं, और यहाँ पर इसे क्लिक करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा नीचे प्योर कर लेते हैं, इसे थोड़ा चला। फ्रेंड्स अब इसे बाहर क्लिक करते हैं, और बाहर क्लिक करने के बाद में चलते हैं इंसर्ट पे,
और वर्ड आर्ट, और यहाँ से वर्ड आर्ट पे जो भी आपको टाइप करना हो, जो भी आपको मार्कर वगैरह आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मल जो कि ज़्यादातर होता है मैं लिखता हूँ ANISO 9001:2008, और इसका जो साइज है इससे 20 से भी कम, यहाँ पर कम से कम 10 तक जाएगा साइज, और ओके करता हूँ। तो ऊपर देखिए यहाँ पर आ गया। अगर इसका डिज़ाइन वगैरह चेंज करना हो तो आप डबल क्लिक करके या फिर यहाँ से ऑप्शन होगा वर्ड आर्ट का डिज़ाइन का, आप इसको किसी को भी यहाँ रख सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मल या फिर इसे रख लेता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करके वर्ड टैक्स इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ टैक्स को, और इन फ्रंट ऑफ टैक्स कर लेता हूँ। और इन फ्रंट ऑफ टैक्स करने के बाद आप इसे कहीं भी उठा कर रख सकते हैं, बाकी के डिज़ाइन आपको ख़राब नहीं होगा। तो मैं यहाँ से इसको रख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा लग रहा है, और इसको नीचे करता हूँ और इससे उठा कर इस पर रख देता हूँ। इस पर आपको जितना भी करना हो साइज बड़ा ऐसे कर सकते हैं। हो गया। और इस बुक को थोड़ा सा और नीचे रख लेता हूँ मैं। अब इसको माइनस कर लेते हैं जूम को। देखिए तो फ्रेंड्स इतना डिज़ाइन बन गया, थोड़ा सा और हमें बनाना है। बस क्या करते हैं, इंसर्ट पे चलते हैं और शेप, और यहाँ पर ऑप्शन है हाफ सर्कल, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और इसी तरह से ड्रा कर बनाएंगे। बन गया। और इस कॉर्नर पर क्लिक करके येलो पे और इसे पतला कर लेंगे, जितना आपको अच्छा लगे आप इतना डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं करूँगा इसके बराबर, ये जो है जो पट्टी मैंने बनाया था इसके बराबर मैं रखूँगा। तो यहाँ से देख लेता हूँ, अच्छा लगेगा। अगर साइज़ सब कुछ एक जैसा हो, सबके बराबर हो, तो डिज़ाइन परफेक्ट। जब साइज़ अच्छा बना होता है तो थोड़ा वो सही भी नहीं बने लोगों तो देखने में अच्छा लगता है। साइज़ पे आप ज़्यादा ध्यान रखें करें कि साइज़ मैचिंग हो, बराबर हो। अब इससे यहाँ से रोटेट कर देता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ, रोटेट करता हूँ इस तरह से, ताकि मेरा जो साइज़ है वो ख़राब ना हो। अब इससे हम यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, इतना बन गया। इसको कलर फिल करते हैं ग्रीन, ग्रीन आउटलाइनिंग को नो आउटलाइन। अब इससे आप यहाँ से थोड़ा बहुत चौड़ाई में यदि फर्क हो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। हो गया फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा रिबन टाइप बनाते हैं, तो उसके लिए इजी तरीका बताता हूँ मैं आपको। इंसर्ट पे जाइए, शेप, और यहाँ से एक बॉक्स ले लीजिए, और इस बॉक्स के बराबर जो इसका मोटाई है इसके बराबर आप इतना ले लीजिए रिबन, ठीक है, इतना हो गया। अब इससे उठाकर साइड में रख लीजिए। उसके बाद में आप इंसर्ट पे जाकर, शेप पे जाकर, आपको यहाँ पर मिलेगा फ्री हैंड, चाहे तो फिर फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म मिला। अब इस पर क्लिक कीजिए, फ्री फॉर्म पर क्लिक करके हमने इस पर क्लिक किया, इससे क्या हुआ कि हमारा जो साइज़ होगा 00 बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ पर क्लिक कर लिए सेंटर पर, फिर इस पर क्लिक कर लिए और कॉर्नर पर ऊपर ले गए, और लास्ट में ले जाकर हमने पॉइंट को ज्वाइंट कर दिया। अब देखिए एक साइड में एक रिबन बन गया। अब इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, बन गया। इस तरह से आप बहुत सारे शेप डिजाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर रख लीजिए इसको साइज में बिल्कुल, एरो की से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, और फॉर्मेट पे जाकर यहाँ से कलर जो है थोड़ा सा डार्क कर लीजिए, क्योंकि उसका उल्टा में रखना है तो हल्का सा कलर का फ़र्क होना चाहिए। यहाँ पर क्लिक कर लिए, आउटलाइनिंग को नो आउटलाइन, और इसको यहाँ पे क्लिक करके सेंड बैकवर्ड आएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, बैक में चला जाएगा। अब कंट्रोल प्रेस करके दूसरी साइड में ले जाइए, शिफ्ट प्रेस कर रखिएगा तो बराबर में जाएगा, और छोड़ दीजिए। फिर से क्लिक करके इसको स्टेप को और सेंड बैकवर्ड, ओके, बैक में चला गया। तो ये बन के तैयार हो गया। अब व्यू पे चलते हैं और ऑन पेज पे क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड्स तो ये लोगो बिल्कुल बन के पूरी तरह तैयार है। तो फ्रेंड्स आप लोग को बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, ये लोगो आप लोगों को कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक पे, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। 2 मिनट लगेगा शेयर करने में, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, इस वीडियो को यदि पहली बार देख रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप उसे देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। फ्रेंड्स जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल बटन दबाइएगा, जब भी मैं अगला वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।